मेरे YouTube चैनल मानिक बिल्ला में आप सभी का। तो मैं आज एक ऐसा वैकेंसी के बारे में लेके आया हूँ जो सभी ब्रांचेस के लिए है, और ये वैकेंसी टाटा स्टील दे रही है। चलिए देखते हैं टाटा स्टील की वैकेंसी में। सबसे पहले गाइस, अगर आप चाहते हैं कि स्टेप बाय स्टेप कैसे इसको फिलअप किया जाए, इसका फी क्या होगा, तो वीडियो के अंत तक रहें, क्योंकि मैं फिलअप भी बताऊँगा और फी के बारे में भी बताऊँगा और कितना आपको पेमेंट दिया जाएगा टाटा स्टील के द्वारा। तो सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको जो है टाटा स्टील गूगल में सर्च करके इंटर कर देना है। आप अपने मोबाइल से भी फिलअप कर सकते हैं या मोबाइल से भी डाउनलोड कर सकते हैं उसके। उसके बाद यहाँ पर एक इंटरफेस आया हुआ है टाटा स्टील, इसमें नहीं जाना है। इसमें जाने से काफ़ी प्रॉब्लम होगी, आप कैरियर तक पहुँचने में दिक्कत होगी। तो यहाँ जो टाटा स्टील का कैरियर है इसमें क्लिक कर दीजिएगा। इसमें क्लिक करने के बाद एक नया इंटरफेस खुलेगा आपके सामने। खुलने देते हैं क्योंकि ये खोल कर रखा है मैंने, लेकिन फिर मैं दिखा देता हूँ खुलने के बाद क्या क्या होता है। नेटवर्क स्लो होने के कारण काफी स्लो चल रही है। चलिए, इस तरह से इंटरफेस खुलेगा, पूरा खुलने देना है इसको, है ना। ये जो घूम रहा है ना, इसको पूरा घूमने देना है, तब जाके हमारा जो ऑप्शन जो चाहिए वो आएगा, है ना। काफी स्लो है। तो गाइस, हमारा पूरी तरह से खुल चुका है, ये अभी भी घूम रहा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारा ऑप्शन आ चुका है। तो ऑप्शन क्या आ चुका है यहाँ पे, करेंट ओपनिंग में देखिएगा, हायरिंग ड्राइव्स, इसमें हमें जाना है। इसमें आप क्लिक कीजिए। हायरिंग ड्राइव्स में जाने के बाद एक नया इंटरफेस खुलेगा जो इस प्रकार है। ये दोनों बिल्कुल सेम है ना। मैंने पहले खोल रखा था, लेकिन स्टेप बाय स्टेप बताना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये जो वेबसाइट है काफ़ी अंदर में इसका एडवर्टाइजमेंट। तो गाइस, यहाँ पर इस तरह से आएगा, तो आपको एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करना है। तो ये देखिए एडवर्टाइजमेंट यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद ये रहा हमारा डाउनलोडिंग लिंक, एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड हो जाएगा यहाँ से। यहाँ क्लिक कीजिए, यहाँ पे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। नया लिंक आया उससे गाइस, सॉरी, यहाँ क्लिक करने पे आपका डाउनलोड होगा, डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट। ये देखिए यहाँ पे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुका है, ये ईपी एडवर्टाइजमेंट करके है। एडवर्टाइजमेंट खुलने देते हैं, उसके बाद बताता हूँ उसमें क्या है और क्या नहीं है। तो गाइस, ये पूरी तरह से डाउनलोड हो चुका है, अब इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। चलिए, मेरा पेज ओपन हो गया है। यहाँ से कुछ पेंसिल ले लेता हूँ, बताने में जी होगा। तो गाइस देखिए, ये जो एडवर्टाइजमेंट जो है 19 मई को रिलीज हुआ है, 19 मई 2023 को है ये रिलीज डेट है। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, टाटा स्टील इज सीकिंग एप्लीकेशन फ्रॉम इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स फॉर द पोजिशन ऑफ इंजीनियर ट्रेनिंग इन द एरियाज ऑफ ऑपरेशन, मेंटेनेंस एंड इंजीनियरिंग एंड प्रोजेक्ट्स फॉर टाटा स्टील। तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट के लिए ये निकला हुआ है, पोजिशन जो है इंजीनियर ट्रेनिंग की है। तो इंजीनियर ट्रेनिंग के पोजिशन के लिए हमारा प्रोग्राम डिटेल्स क्या क्या दिया गया है। तो सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी प्लेस्ड एज इंजीनियर ट्रेनिंग फॉर योर ड्यूरेशन 1 ईयर। आप जब सेलेक्ट हो जाएंगे उसके बाद 1 साल का ट्रेनिंग के तौर पर रखा जाएगा आपको। एक साल का ट्रेनिंग के तौर पर रखने के बाद द ट्रेनिंग विल बी सब्जेक्टेड टू इवेल्युएशन ऑन रेगुलर बेसिस ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड। ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग दे विल बी कंसिडर फॉर फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट ऑफ 3 ईयर ऑफ असिस्टेंट मैनेजर। जैसे ही आपका 1 साल का एक्सपीरियंस खत्म होता है, असिस्टेंट मैनेजर के पद पे आपको दिया जाएगा 3 साल के लिए। मस्ट हैव कम्प्लीटेड या शुड बी फाइनल ईयर स्टूडेंट बी बीटेक। तो आपकी क्वालिफिकेशन जो बोली है, या तो आप फाइनल ईयर में हैं तो भर पाएंगे, या आप कंप्लीट कर चुके हैं बी ई बी टेक बी एस सी
बीएससी इंजीनियर इन द फॉलोइंग स्पेसिफाइड डिसिप्लिन। तो ये सब डिसिप्लिन से अगर आप बीटेक किए हुए, बीए किए हुए या बीएससी किए हुए तो अप्लाई कर पाओगे। तो देखते हैं कौन कौन से ब्रांच हैं। तो सबसे पहले सिविल एंड स्ट्रक्चर वाले भर पाएंगे, फिर केरामिक वाले, फिर केमिकल इंजीनियरिंग भी होते हैं वो भी भर पाएंगे, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, इंस्ट्रूमेंटेशन, पावर इलेक्ट्रॉनिक, ये सब भी अप्लाई कर पाएंगे। एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग भी चलेगा, मैकेनिकल भी चलेगा, मेटलर्जी भी चलेगा, और गाइस माइनिंग भी, मिनरल भी है और माइनिंग भी है। माइनिंग भी है ना। बेनिफिकेशन इंजीनियरिंग, पता नहीं कौन सा इंजीनियर होता है, तो ये भी अप्लाई कर पाएंगे। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग ये भी अप्लाई कर पाएंगे। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मेकाट्रॉनिक्स, जियोफॉर्मेटिक्स, ये सब नए नए में सुन रहा हूँ, पता नहीं कोई किए होंगे तो बहुत बढ़िया बात है, अपने अप्लाई कर। या फिर ये सब होने, ये सब नहीं है तो या में भी दिया हुआ है, ये सब वाले भी अप्लाई कर पाएंगे। मस्ट हैव कम्प्लीट, शुड बी अ फाइनल ईयर स्टूडेंट, यानी फाइनल ईयर में रहे या तो कम्प्लीट होना चाहिए। एम टेक, एम एस सी इन फॉलोइंग डिसिप्लिन, तो जियोलॉजी से आपका एम एस सी या एम टेक होना चाहिए, या जियो फिजिक्स से, या रिमोट सेंसिंग, या जी आई एस से। तो गाइस ये एलिजिबिलिटी है, अगर आपके पास ऐसा क्वालिफिकेशन है तो आप बिल्कुल अप्लाई कीजिए। और इसका जो फी क्या है आगे बताता हूँ, फी है या नहीं है, धीरे धीरे आगे वीडियो को बढ़ते हुए देखते हैं क्या है। उम्मीद होगा इतना आपको समझ में आ गया होगा ना, और नहीं समझेंगे तो कोई बात नहीं, कॉमेंट कर सकते हैं, उसमें मैं रिप्लाई कोशिश करूंगा कि आपका रिप्लाई का जवाब जल्द से जल्द। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैं क्या लिखा हूँ, कैंडिडेट यू हैव कंप्लीटेड 3 ईयर डिप्लोमा एंड डायरेक्टली ज्वाइन सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग एंड फाइनल ईयर बी ए बी टेक बी एस सी आर एस एल। ये बोलना चाहता है कि जब डिप्लोमा सिर्फ डायरेक्ट बीटेक करते हैं तो हमारा 1 साल का जो है फायदा होता है, डायरेक्ट सेकेंड ईयर में प्रमोट होता है, फर्स्ट ईयर में डिप्लोमा से डिग्री करने में हमारा बेनिफिशियल दिया जाता है ना, तो वो सब भी एलिजिबल है, आप भी कर सकते हैं। मस्ट हैव अटेंडेड फुल टाइम AICTE या UGC अप्रूवल कैंपस प्रोग्राम, तो ये सब जो है AICTE से अप्रूवल या UGS अप्रूवल कैंपस से होना चाहिए आपका जो सर्टिफिकेट है। फॉर जनरल क्रेडिट मस्ट हैव स्कोर मिनिमम 6.5 वेयर द स्कोरिंग पैटर्न इज CGPA। अगर आप जनरल कैंडिडेट है तो CGPA में अगर आपका दिया हुआ है तो 6.5 मिनिमम होना चाहिए और परसेंटेज में 65%। वेयर द स्कोरिंग पैटर्न इज परसेंटेज इन BA, BTEC, BSc, MTEC, MSc एग्जामिनेशन। फॉर ट्रांसजेंडर, ट्रांसजेंडर जो कि आप समझ रहे होंगे वही होते हैं ट्रांसजेंडर, और वो भी अप्लाई कर सकते हैं। PWD आपका हाथों से विकलांग है, कोई भी पार्ट्स आपका डैमेज है तो PWD सर्टिफिकेट आप बनाए होंगे, वो सब भी एलिजिबल है। और ये ट्रांसजेंडर का मतलब गे होते हैं, वो सब भी कर सकते हैं। SC ST कैंडिडेट वो सब के लिए कितना दिया गया, मिनिमम स्कोर 6.0, ठीक है, CGPA में 6.0 और परसेंटेज में होगा तो 60% इन BE, BTEC एंड BSc इंजीनियर MTEC MSc एग्जामिनेशन। तो ये है मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन मिनिमम, तो BTEC होल्डर से स्टार्टिंग है। प्रिफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स हु आर डोमिसाइल्ड ऑफ द स्टेट ऑफ द झारखंड एंड उड़ीसा। तो प्रिफरेंस जो सबसे पहले दिया जाएगा जो झारखंड के हैं और उड़ीसा को, उसको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। अप्लाई तो सारे कर सकते हैं। फॉर जनरल कैंडिडेट उसके लिए शुड नॉट मोर देन एज, एज के बारे में जानना है तो 30 ईयर से ज़्यादा जनरल को नहीं लिया जाए, जो कि 1 जून 2023 तक 30 साल अगर हो जाता है तो फिर आपका दिक्कत है। फॉर ट्रांसजेंडर ये सब वगैरह वगैरह ये सब जो है शुड नॉट मोर देन 32 ईयर, 1 जून 2023 तक आपका जो एज है 32 ईयर के अंदर होना चाहिए। अगर एक्सीड होता है 32 साल से ऊपर तो फिर आप नहीं अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि कोई फायदा नहीं है। इमोल्यूमेंट्स में देखिए क्या लिखा, इंजीनियर ट्रेनिंग विल बी ऑफर एन एल और एक इंक्लूसिव स्टाइपेंड 30,000 पर मंथ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर ट्रेनिंग। जब ट्रेनिंग पीरियड में रहेंगे 30,000 मंथली आपको मिलेगा, 30,000 ठीक है बहुत होते हैं। इंजीनियर ट्रेनिंग विल बी कवर्ड अंडर
मेडिक क्लेम्स स्कीम फॉर सेल्फ ओनली, और खुद का इंश्योरेंस भी वहाँ पर दिया जाएगा। मेडिकल क्लेम ले सकते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन कवर 2.5 लाख तक पर साल, ओपीडी कवरेज 6,000, ठीक है। पोस्ट सक्सेसफुली कम्प्लीटेशन ऑफ ट्रेनिंग CTR ऑफ NER 7 लाख पर एनम, यानी आपका ट्रेनिंग जैसे कंप्लीट होता है ना 7 लाख पर ईयर हो जाएगा आपका, यानी कि लगभग मैं आपका जोड़िएगा तो 12 छक 72, 58-60 के आसपास आपका सैलरी होगा मंथली। वर्क्स एंड बेनिफिट एज पर कंपनी पॉलिसी विल बी ऑफर विद दोस्त अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट मैनेजर ऑन फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, यानी आपको एक पद दिया जाएगा, काफ़ी अच्छा पद होता है असिस्टेंट मैनेजर, है ना, काफ़ी लेवल हाई है, तो आपको 58-60 हज़ार पेमेंट करेगा। अदर गाइडलाइंस में देखा जाए तो कुछ लिखा हो, टाटा स्टील इज एन इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर एंड एनकरेज कैंडिडेट फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड टू अप्लाई, सबसे कुछ मतलब नहीं है। अपर लिम PWD जो दिया जाएगा, डिजिबिलिटी पार्सल डिजिबिलिटी इन लोअर लिम और अपर लिम, कैंडिडेट आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। तो ये जो PWD कैंडिडेट होते हैं, ये कुछ प्रकार के डिजिबिलिटी है, लोअर लिम और अपर लिम, वो सभी अप्लाई कर सकते हैं। सर्विस ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट सब्जेक्ट इज ट्रांसफर टू एनी डिवीजन, तो बोलना चाहता है कि अगर आप सेलेक्टेड होते हैं तो कोई भी डिवीजन में आपको ट्रांसफर किया जा सकता है ना, आप अपने से चूज नहीं कर सकते कि हमें यहाँ रहना है। और सेलेक्टेड कैंडिडेट विल अंडरगो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन एज कंपनी स्टैंडर्ड, तो सेलेक्टेड कैंडिडेट का वेरिफिकेशन भी होगा। कैंडिडेट हु आर फाउंड इन एलिजिबल इन द लेट डाउन इन एनी स्टेट सेलेक्शन प्रोसेस विल इमीडिएटली, आप कोई भी स्टेज में अगर आपका कैटेगरिया इनएलिजिबल साबित होता है, जैसे कि आपका क्वालिफिकेशन सही नहीं है, तो कुछ भी और भी कारण हो सकते हैं, तो आपको तुरंत ही बर्खास्त किया जाएगा, आप इलिजिबल नहीं होगा, और उसके लिए आप कुछ बोल भी नहीं पाएंगे। टाटा स्टील एम्प्लॉयज ऑन परमानेंट रोल आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस, जो टाटा स्टील में पहले से परमानेंट है वो एलिजिबल नहीं है, वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। नो रिकम्पनसेशन सेलेक्टेड ट्रेवल विल बी रिमेंड बाय द कैंडिडेट इन द प्रोसेस, ट्रेवलिंग कुछ नहीं दिया जाएगा। कैंडिडेट हु आर फाउंड इन एलिजिबल एज पर द लेट डाउन कैटेगरी इंटरनेशनल सेलेक्शन प्रोसेस विल इमीडिएटली डिस्क्वालीफाई, यानी कोई भी दिक्कत पाया जाएगा आपके एप्लीकेशन या आपके थ्रू, तो तुरंत डिस्क्वालीफाई कर दिया जाओगे। टाटा स्टील इम्प्लॉयज एज परमानेंट आर रोल नॉट एलिजिबल फॉर अप्लाई, ठीक है, वही बात दोबारा लिख दें, जो पहले से परमानेंट है वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो लिंक के बारे में कुछ दिया हुआ, तो कैसे कैसे जाना है वो तो मैं बता ही दिया हूँ, लिंक को छोड़िए। तो लास्ट डेट, जो लास्ट डेट है देखिए 11 जून 2023 तक आप अप्लाई कर पाएंगे। फॉर वेरियस अनाउंसमेंट्स कैंडिडेट शुड विजिट, और कुछ जानकारी जानना चाहते हैं तो इस वेबसाइट में विजिट कर सकते हैं। एलिजिबल कैंडिडेट विल अंडर, इसको डिलीट करते हैं, दिक्कत हो रही ना, एलिजिबल कैंडिडेट्स विल अंडरगो एन ऑनलाइन कॉग्निटिव एंड टेक्निकल टेस्ट, ऑनलाइन आपका टेस्ट होगा, और जो टेस्ट कॉग्निटिव एंड टेक्निकल टेस्ट होगी। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी इनवाइटेड फॉर इंटरव्यू आइदर इन पर्सन या ऑन योर वर्चुअल मीडियम, तो गाइस शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट का इंटरव्यू भी होगा, थोड़ा मोड़ा इंटरव्यू चलता है, वो पास हो जाओगे, पहले तो ऑनलाइन का जो टेस्ट है उसको पास करना है। इंपॉर्टेंट नोट्स में क्या दिया हुआ है, कम्युनिकेशन फ्रॉम टाटा स्टील विल बी थ्रू करियर, आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं इसके थ्रू कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं sn.com टाटा स्टील या हायरिंग पार्टनर्स आस्क कैंडिडेट डिपॉजिट मनी फॉर एनी जॉब, ठीक है। टाटा स्टील बोलना चाहता है कोई भी पैसे मैं नहीं ले रहा हूँ, अगर कोई भी बंदा आपसे अगर पैसे की डिमांड करता है तो आप उनको इन्फॉर्म करें, है ना, टाटा स्टील की तरफ से कोई भी आपका फी नहीं लग रहा है। टाटा स्टील इज नॉट एसोसिएटेड विद एनी एक्सटर्नल एजेंसी टू कंडक्ट एनी इंटरव्यू या मेक ओपन एम्प्लॉयमेंट, तो एक्सटर्नल वाले आदमी नहीं लेंगे, टाटा स्टील के वाले ही लेंगे, ऐसा सब लिखा हुआ साफ साफ, तो किसी चीज़ में नहीं फंसना है। तो यहाँ पर आपका एडवर्टाइजमेंट खत्म है। तो अब गाइस बात आती है कि हम लोग इस फॉर्म को भरेंगे किस और कहाँ जाके भरेंगे, तो देखते हैं कहाँ से भरना है। तो सबसे पहले जो पेज में जहाँ से हम लोग डाउनलोड किया रिक्वायरमेंट, तो यहाँ एक एप्लीकेशन है, इसमें क्लिक कर दीजिए। इसको खोलने देते हैं पूरी तरह से,
तो ये हमारा लिंक खुल के आ गया, यहाँ क्लिक करना है। एप्लीकेशन देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके नीचे के लिंक दिया हुआ, इसमें आप क्लिक कीजिए। सर्वर स्लो है या हो सकती है मेरी नेट स्लो है, तो आप लोग, और एक इम्पोर्टेंट जो चीज़ है मैं पहले बताया, मैं फिर यहाँ बता दूँ कि आप मोबाइल के थ्रू भी भर पाओगे, कहीं भी कैफे में जाने की ज़रूरत नहीं है। 50 100 जो लगते हैं आपके बच जाएंगे एकदम, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे। तो सबसे पहले कैंडिडेट टाइप पूछा है, कैंडिडेट टाइप जो है हमारा जनरल है या एम्प्लॉय वार्ड है। एम्प्लॉय वार्ड का मतलब है कोई भी आपका परिवार का आदमी, मम्मी पापा भैया, अगर कोई काम करते हैं तो एम्प्लॉय वार्ड से भरिएगा, हो सकता है एक्स्ट्रा बेनिफिट आप लोग को मिल जाए, और जो नहीं है उसके लिए यहाँ जनरल हो जाएगा। उसके बाद पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, आधार आप क्या देना चाहते हैं, आधार या पैन कार्ड, तो मोस्टली सभी लोग आधार कार्ड ही देते हैं, आधार कार्ड में क्लिक कर दिया। यहाँ लिखा हुआ है प्लीज ब्रिंग द आधार या पैन कार्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ऑनलाइन टेस्ट फॉर वेरिफिकेशन। ठीक है, जब ऑनलाइन एग्जाम होगा ना उस समय आपको एक आधार कार्ड लेके जाना है, क्योंकि वहाँ पे आपका वेरिफिकेशन हो। यहाँ भरने के लिए कुछ दे नहीं रहा है, यहाँ पर आधार नंबर हो सकता है फॉर्म मांगता, लेकिन मांग रहा है चलिए आ गया है। यहाँ पे आपको आधार नंबर डाल देना है, जो भी आपका आधार नंबर है, ठीक है, इस तरह से आधार नंबर डाल दीजिएगा। और आपका जो नाम है फर्स्ट नेम, जैसे कि आपका नाम है पवित्र कुमार मंडल है ना, अगर पवित्र कुमार मंडल है तो यहाँ पर पवित्र लिख देना है, ब्लॉक लेटर से भरेगा तो और अच्छा है, क्योंकि फॉर्म ब्लॉक से ही भरा है। पवित्र सिर्फ यहाँ भरना है, लास्ट नेम में क्या भरना है, मंडल, जो कि मिडिल नेम नहीं दिया हुआ है, तो गैस यहाँ कुमार भी आप भर दीजिए, मिडिल दिया रहता है तो मिडिल में कुमार भरते, तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दिया हुआ है ना, तो पवित्र कुमार फर्स्ट हो गया, लास्ट हो जाएगा मंडल। कैटेगरी अपना चूज करेंगे, अपना जनरल में है, ओबीसी है या एससी है या अदर्स में है। अगर जनरल ओबीसी में आते हैं तो ये अदर्स वाला या जनरल में क्लिक करेंगे, दोनों एक ही बात हो गई है। और एससी में आते हैं तो इसमें क्लिक कीजिएगा शेड्यूल कास्ट, और एसटी में आते हैं तो शेड्यूल ट्राइब। ठीक है, तो जनरल को लेकर चलते हैं हम लोग। उसके बाद मिडिल नेम यहाँ दिया हुआ है, सॉरी गाइस देखा नहीं था इसलिए मैं बोल रहा था, तो मिडिल नेम यहाँ भरना है, जेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा यहाँ से, मेल फीमेल जो है आप, या मेल सेलेक्ट करता हूँ। और डोमिसाइल पूछ रहा है कौन सा स्टेट का है आपका, यानी कि आपका आवासीय कहाँ का है, तो इतने सारे स्टेट को ये अलाउ किया हुआ, लगभग सब स्टेट है, तो पहला प्रेफरेंस जानिए झारखंड और उड़ीसा वालों को दिया जा रहा है। अगर आप झारखंड से हैं तो झारखंड क्लिक कर दीजिएगा। उसके पर्सन विथ डिजेबिलिटी, आपका पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट वाले अगर कुछ है यस या नो करेंगे, अगर यस है तो यस, और जो जो इसका जो भरा जा रहा है उसका नहीं है कोई तो नो कर देंगे, अगर आपके पास है सर्टिफिकेट पीडब्ल्यूडी का तो यस करेंगे। यहाँ पर विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क, यानी कि कोई भी मार्क्स आपके परमानेंट होंगे आपके बॉडी में, जैसे एक कट रहता है, एक कट ऑन द राइट एब्रो, राइट हैंड एंड लेग, इसी तरह से आपको भर देना, या मोल आपका जो मोल रहता है, या मोल एट एट द लेफ्ट हैंड में है तो लेफ्ट हैंड, इसका लेफ्ट हैंड में है तो भर दे, तो इस तरह से आइडेंटिफिकेशन पहचान के लिए होता है। यहाँ पर आपको अपना डेट डेट ऑफ बर्थ डालना है, चलिए खुलने रहा है, लेकिन अगर वहाँ आपका खुलेगा, सकता है कि मेरा नेटवर्क स्लो है तो नहीं खोल रहा है, तो यहाँ पर खुलेगा, तो आपको डेट ऑफ बर्थ कैसे डालना, पहले डेट डालना है, फिर सिलेस देना, फिर मंथ डालना है, फिर सिलेस देना, ईयर डालना है ना। उसके बाद गाइस यहाँ अपना ईमेल आईडी डालना है, जो भी आपका ईमेल आईडी है, rkj123@gmail.com,
उसके बाद ये जो कैप्चा दिख रहा है ना, ये जो कैप्चा है इसको यहाँ फिल कर देना है। यहाँ फिल करने के बाद चलिए खुल रहा है कुछ, मैंने इतना फिल किया है तो ऐसा डेट ऑफ बर्थ आ गया है ना। तो ये कैप्चा यहाँ पर फिल कर देना है, डेट ऑफ बर्थ अभी भी नहीं आया, आ जाएगा आपका। तो यहाँ ये कैप्चा फिल करना, जैसे 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 कि पी जो है हमारा ब्लॉक लेटर है, डब्ल्यू भी ब्लॉक है, एल भी है, 1 4 C Q Y स्मॉल में रहता है, और वेरीफाई ईमेल कीजिएगा। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा ना तो एक ईमेल जाएगा आपके में, ओटीपी जाएगा, तो ओटीपी आपको यहाँ मांगा जाएगा, आप यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर घूम रहा है, यह नया पेज खुलेगा, ओटीपी जाएगा। OTP जाएगा या तो आपका मेल में हो सकता है कोई लिंक आ जाएगा, कैप्चा नॉट मैच, ठीक है, कैप्चा गलत डाला गया, PWL 1 4 CQY ठीक ही डाल, कोई बात नहीं, कैप्चा सही से भरिएगा। आगे बढ़ाते हैं, तो वेरीफाई कर लीजिएगा, उसके बाद फिर मोबाइल नंबर आपको डालना है, कुछ भी आपका जो मोबाइल नंबर है जो देना चाहते हैं, ये कैप्चा यहाँ डालिएगा, फिर वेरीफाई कर दीजिएगा, है ना। उसके बाद आपका एड्रेस में आते हैं, एड्रेस डालना है, लैंड लाइन नंबर, ये आपका अगर लैंडलाइन नंबर कुछ है तो डाल दीजिएगा, STD पहले चलता था अब तो लगभग खत्म ही हो गई है। अब यहाँ पे एड्रेस और कम्युनिकेशन, यानी कि आपको कम्युनिकेट जो किया जाएगा, कोई भी मैटर होता है, जैसे कि आपका एडमिट कार्ड या आप ऑफर लेटर होता है, जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, वो सब कम्युनिकेशन एड्रेस में भेजा जाता है, परमानेंट में, अगर दोनों सेम रहते हैं परमानेंट एड्रेस तो फिर दोनों कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से भरिए। यहाँ पर आपको हाउस नंबर क्वार्टर नंबर भरना है, हाउस नंबर 112 हो सकता है, 121, क्वार्टर नंबर भी आपका कुछ होगा तो मान लेते हैं, तो ये सब भरना है। उसके बाद आप किस विलेज से हैं, अपना विलेज का नाम भरिएगा, उसके बाद आपका पिन कोड रह जाएगा, पिन कोड रोड नंबर आपका है तो रोड आसपास का स्ट्रीट, जैसे कि भोली रोड होता है और भी धनबाद में और से करके, और स्टेट यूनियन टेरेटरी आपका स्टेट कौन सा है यहाँ भर देना है, झारखंड लेके चलते हैं, स्टेट में हम लोग मान के हमारा भोली स्टेट है। हाउस नंबर में आपको पूरा भर देना है, हाउस नंबर हो सकता है किसी ब्लॉक में रहते हैं तो ब्लॉक नंबर करके डैश दे देना, ब्लॉक नंबर 5 लिख दीजिए, क्वार्टर नंबर है आपके पास, क्वार्टर नंबर दे सकते हैं, मान लीजिए 10 है, विलेज आपका अगर भोली है तो भोली करके लिखिएगा, पिन कोड आपका अगर 82601 है तो ऐसे करके पिन कोड लिखिए, अगर सेम परमानेंट एड्रेस यानी आपका स्थायी पता जो है और जहाँ रहते हैं दोनों अगर सेम है तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा, है ना, अगर नहीं है तो यहाँ पर फिल करना परमानेंट एड्रेस, तो दोनों का सेम है तो हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। अब एकेडमिक क्वालिफिकेशन की मांग की, मैट्रिक के बारे में कुछ भरना है, जैसे कि स्कूल या कॉलेज नेम आप भरेंगे, परमानेंट में मैंने जैसे ही क्लिक किया, देखिए दोनों सेम टू सेम भर गया है ना, परमानेंट और लोकल आईडी और दोनों एड्रेस अगर सेम नहीं होगा तो इसमें नहीं क्लिक करना। स्कूल का नाम आप भरेंगे यहाँ पर, कोई भी स्कूल का नाम, JS स्कूल भी हो सकता है, कुछ भी होता है जो स्कूल का नाम है आप भरेंगे। बोर्ड आपका CBSE हो गया या चेक हो गया या कोई अदर बोर्ड होगा या IAS बहुत सारे बोर्ड होते हैं, तो वहाँ बोर्ड का नाम चेक कर देते हैं। ईयर ऑफ पासिंग, जिस ईयर में आप पास हुए, 2007 2020 2018 10 के बारे में हो रहा है, 10 मान लेते हैं, 2016 में पास हुआ है या 2017 भी कर सकते हैं, जो आपका पासिंग है। उसके बाद परसेंटेज आपका जितना भी आया मान के चलते 80% आया तो 80 लिख दीजिएगा। उसके बाद आपका 12 का क्वालिफिकेशन पूछा गया है, 12 के बारे में
भी आपको भरना पड़ेगा। और गाइस एक चीज और बता देता हूँ, अगर आपके पास डिप्लोमा है, डायरेक्ट डिप्लोमा कहते हैं, डिप्लोमा वाला भरिएगा, है ना, इंटरमीडिएट सिलेक्शन प्लस टू लिखा हो, तो डिप्लोमा को 12 लेवल को बराबर माना गया है। तो यहाँ इसी तरह से आप अपना कॉलेज का नाम भरेंगे, कुछ भी आपका कॉलेज का नाम होगा, FF कॉलेज, यूनिवर्सिटी कुछ भी होता है, SBT, JTU, JTU लिख देते हैं, ईयर ऑफ पासिंग मान लेते हैं 2017 में पास किया, 2019 में होगा या 2020 भी होगा, उन्नीस तक दिया हुआ गैस, 12 जो है शायद 19 तक हो जाना चाहिए। चलिए 19 लिख देते हैं, या परसेंटेज मार दीजिएगा फिर से, मान लेते 75 है। अब देखिए टेक्निकल क्वालिफिकेशन भी पूछा गया आपका, टेक्निकल क्वालिफिकेशन में क्या है, इंजीनियर एंड प्रोजेक्ट्स, नॉट इंटरेस्टेड भी कर सकते हैं, या ये कुछ नंबर्स दिए गए हैं 4-5 नंबर, नॉट इंटरेस्टेड में कर देता हूँ, इस समय आप नॉट इंटरेस्टेड कर सकते हैं। अगर टेक्निकल क्वालिफिकेशन नहीं है तो नॉट इंटरेस्टेड कर सकते हैं, होंगे तो आप कर सकते हैं, इसका नहीं है तो नॉट इंटरेस्टेड कर देता हूँ सभी में। तो गाइस यहाँ जो आप अप्लाई कर रहे थे उसका डाटा भर सकते हैं, टेक्निकल एक्सेप्ट बी, बीटेक, बीएससी, एमटेक, एमएससी जो भी दिया हो, तो हम लोग बीटेक वाला ले लेते हैं। तो यहाँ पर आपका जो नॉट इंटरेस्टेड है उसको हटाना पड़ेगा, आप कौन से सेमेस्टर में, ये है आपका 5th सेमेस्टर में, तो 5th स्टील प्लांट ऑपरेशंस, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सब कुछ ज़्यादा ही दिक्कत वाली बात है, पता नहीं क्या मतलब है, स्टील प्लांट मेंटेनेंस, माइनिंग माइंस लोकेशन मेंटेनेंस, ये नंबर्स में दिए गए सर, 5-5 सब में भर दीजिएगा। हाँ चलिए यहाँ पर जब इधर भरने के बाद दोबारा कुछ नहीं आ रहा, तो इसको थोड़ा प्रॉब्लम मेरे लिए भी क्रिएट हो रहा है, अगर ये कि यहाँ भरते हैं स्टील प्लांट ऑपरेशन सेकेंड थर्ड फोर फाइव, यानी एक सेमेस्टर मेरे ख्याल से ये होगा। सेलेक्ट प्रायोरिटी फॉर द एरिया मेंशन बाय वन इज द टॉप प्रायोरिटी एंड फाइव इज द लिस्ट। ओके गाइस ये प्रायोरिटी पूछा जा रहा है कि फर्स्ट अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको कहाँ पर दिया जाएगा, है ना, फाइव इज द लिस्ट, तो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट में चाहिए पहला तो इसको वन कर दीजिएगा, दूसरा स्टील प्लांट ऑपरेशन में चाहिए तो टू कर दीजिएगा, स्टील प्लांट मेंटेनेंस है 3-4, इसे अगर प्रेफरेंस अपना चूज कर सकते हैं, बीए बीटेक, अप्लाइड फॉर, आप अप्लाइड किसके लिए कर रहे हैं, माइनिंग के लिए तो माइनिंग में क्लिक कीजिएगा, इंडस्ट्रियल या जो भी आपका ब्रांच होगा उसमें आप क्लिक कीजिए, मिनरल है तो आपको मिनरल में क्लिक कर देना है। एग्जामिनेशन फास्ट, तो गाइस बीटेक की बारी आ गई है, बीटेक के बारे में आपको भरना है, एग्जामिनेशन फास्ट, बीए बीटेक बीएससी जो है बीटेक है तो बीटेक भरिए, अदर क्वालिफिकेशन अगर है आपका तो भर सकते हैं, डिप्लोमा एमएससी एमटेक जैसे डिप्लोमा से आपके बाद अगर किए हैं तो डिप्लोमा यहाँ आप भर सकते हैं, और यहाँ कंपलसरी नहीं किया ये कॉलम खाली भी छोड़ सकते हैं ना, इसको भरना जरूरी नहीं। उसके बाद इंस्टीट्यूट नेम का नाम यहाँ भरना, इंस्टीट्यूट नाम जो भी इंस्टीट्यूट था, बीबीए इंजीनियरिंग कॉलेज या कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पर पूरा भर देना है, आपका बोर्ड जो भी है वो भर देना है, SBT, JUT या कुछ अदर्स है तो भर देना, JUT लेकर चलते हैं, ब्रांच आपका मिनरल चूज किया था मिनरल आगे, ईयर ऑफ पासिंग आपको देखना है कब पास किया था, 2023 तक आप भर सकते हैं, तो आप लास्ट सेमेस्टर में है उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट ईयर में भी आपको अप्लाई करने का मौका दिया है, पर
परसेंटेज टाइप जो है सीजीपीए या परसेंटेज में वो देख लीजिएगा, अगर सीजीपीए तो सीजीपीए चूज कीजिएगा। अब यहाँ पर परसेंटेज भरेगा, मैक्सिमम मार्क्स कितना का था, अगर मान लेते 1000 का था तो परसेंटेज यहाँ पे भर दीजिए। मान लीजिए जैसा कि कैटेगरी था 65% जनरल का, तो मान लीजिए 70 है। मैक्सिमम मार्क्स कितना का था, 200 लास्ट जा रहा, मैक्सिमम मार्क्स कितना था वो भर लीजिएगा, 100 तक ही जा रहा। उसके बाद इसको भरना कंपलसरी नहीं है, भरना चाहते डिप्लोमा का सेम जाना है। डिटेल्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस का डिटेल है तो यहाँ पर सारा कुछ भरना है। हो सकता है आपको प्रेफरेंस दिया जाए, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिस कंपनी में आप काम करते हैं, डेनिनेशन क्या था, फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक मॉन्थेरिया डालना है, कहाँ यहाँ पर कहाँ से और यहाँ कहाँ तक डालना है। नेचर ऑफ वर्क यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, जॉब का नेचर ऑफ वर्क था, किस किस डिपार्टमेंट में काम किया, क्या काम करते थे, और ये कंपलसरी नहीं है। आप भरना चाहते हैं तो भरिए, नहीं भरना चाहते हैं तो इसको खाली छोड़ देना ये सबको। उसके बाद एक अच्छा सा रिज्यूम आप बना लीजिएगा, नहीं बनाया होगा, अगर होगा तो बहुत बढ़िया। यहाँ पर चूज फाइल करना है रिज्यूम अपलोड करने के लिए। तो गाइस जिस फोल्डर में आपका होगा वहाँ से चूज कर लीजिएगा, मान लीजिए ये वाला मेरा है तो इसमें करके चूज करके ओपन कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फाइल नेम दिख जाएगा जो फाइल नेम है। उसके बाद लोकेशन प्रेफरेंस में आपको पूछा गया कौन सा लोकेशन पहला प्रेफरेंस देना चाहते हैं। पहला में आप जमशेदपुर जाना देते हैं तो एक जमशेदपुर कर दीजिएगा, इसको भी जमशेदपुर लास्ट करना चाहते हैं तो 4 कर दीजिएगा। अंगूल कितने नंबर में डालना चाहते हैं, दो, मान लीजिए 2 नंबर में अंगूल आपका जो सामने पड़ता है उस एरिया को चूज कीजिएगा। फर्स्ट नंबर में मेरा एरिया मान लेते हैं कलिंगर पड़ता है तो फर्स्ट में इसको रखूंगा, सेकंड ये मेरा सामने, थर्ड मेरा इसको ले लेते हैं ये सामने। तो इस तरह से आप लोकेशन प्रिफ्रेंस कर सकते हैं। प्रिफ्रेंस फॉर इंटरव्यू सेंटर, आपका जो सेंटर होगा इंटरव्यू के लिए वो आपका कहाँ होगा, जो एरिया आपका सामने पड़ता है, मान लेते मेरा कोलकाता सामने पड़ता है तो कोलकाता में क्लिक है। उसके बाद यहाँ पर क्लिक कर देना है, आई अंडरस्टैंड नेचर, ये बड़ा सा है, पढ़ लीजिएगा इसको। उसके बाद प्लीज प्रोवाइड योर एक्नॉलेजमेंट एंड कंसेंट फॉर एप्लीकेशन प्राइवेसी नोटिस एज पर, इसको इसी में रहने दीजिएगा प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय में। उसके बाद इसमें क्लिक करिए और इस यहाँ पर सबमिट कर दीजिएगा। ठीक है, तो मैंने बहुत ज़्यादा खाली छोड़ दिया था तो इसलिए पूछ रहा है कि पूछ नहीं रहा, शायद ये कंफर्मेशन दे रहा है 1 या मोर मैंडेटरी फील्ड आर नॉट फील्ड एंड मिनिमम कैटेगरी आर नॉट मेट। तो जैसे कि रिज्यूम मैंने अपलोड नहीं किया था तो ये सब हो रहा है कि आप लोग सारा चीज़ भरें। तो रिज्यूम अपलोड करने के बाद यहाँ जैसे सबमिट कीजिएगा उसके बाद एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा, आप डाउनलोड कर पाएंगे गाइस। तो मैं यहीं तक आपको बता सकता हूँ क्योंकि मैं गलत डाटा डालना नहीं चाहता, टाटा कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है। ठीक है, उनके पास मेरा सारा डिटेल चल जाएगा जो मैं डालूंगा। तो इस तरह से आप पूरा फॉर्म भर सकते हैं अपने घर में बैठे बैठे, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। तो गाइस कैसा लगा वीडियो मेरे को जरूर बताइएगा और मेरे चैनल में बन जाइएगा, और भी नए नए वैकेंसी आते हैं उसको मैं फिलअप करना बताऊँगा। एडवर्टाइजमेंट तो बहुत लोग बताते हैं ना फिलअप करना, बहुत कम लोग बताते हैं, तो मेरे चैनल के साथ जुड़िएगा और मेरा टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, आपको नए नए इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से जल्दी।